अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ अपना खुद से घर में ही अपना होममेड मॉइस्चराइज़र। तो जैसा कि हम सबको पता है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जो हमारे मार्केट के मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, वो इतना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके की सर्दी इतनी पड़ रही है, तो जो एक मॉइस्चराइजिंग स्किन हमारी मांग रही है, वो इन ट्यूब से काम नहीं चल पा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं ये वाला, देखिए, क्योंकि मेरे पास ये वाला डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र है, और हालांकि ये भी बहुत अच्छा है, बट ये अभी इतनी सर्दी है कि ये भी मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैं ना काफ़ी दिन से खुद से का ही मॉइस्चराइज़र बनाकर यूज़ कर रही हूँ, और मेरा फिनिश हो गया है, तो मैं आज फिर से उसको रेडी करने जा रही हूँ। तो ये वाला जो मॉइस्चराइज़र मैं रेडी करने जा रही हूँ ना, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स, मीन्स सारी की मतलब सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगा। कलर फेयर होगा, गोरा भी होगा, स्किन स्मूथ, मतलब ऐसा ग्लोई सी स्किन हो जाएगी ना, और बिल्कुल डीप मॉइस्चराइज करेगा, और जितने भी पुराने से पुराने भी दाग धब्बे हैं ना, वो सब आपके दूर होने वाले हैं। तो चलो फटाक से मैं रेडी करती हूँ इस मॉइस्चराइजर को। देखिए, इस मॉइस्चराइजर बनाने के लिए मेरे पास ये वाला वाओ का एलोवेरा है, ठीक है, और एक ये गुलाब जल चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये वाली ग्लिसरीन है, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर लो। ये वाला आपके पास जो भी एलोवेरा है वो यूज़ कर सकते हैं, घर का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये नींबू का इतना छोटा सा टुकड़ा है, और ये मेरे पास पुराना कंटेनर एक क्रीम का पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया है, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अपना ये एलोवेरा, मैं ले लेती हूँ 1 स्पून एलोवेरा। ओके, अब देख सकते हैं मैंने 1 स्पून अपना एलोवेरा ले लिया है, ठीक है। अब मैंने इसको बाउल में डाल दिया, ठीक है। अब मैं लेती हूँ अपना ग्लिसरीन। विंटर में आप ये घर का ही मॉइस्चराइजर बना के रखोगे ना, तो आप मार्केट का खरीदोगे ही नहीं। मैं भी बहुत लेती थी मार्केट का, और लेती हूँ, बट ये मैं उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने ये लगाना शुरू किया, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतने बेहतरीन रिजल्ट, ग्लोई सी स्किन, ऐसी सॉफ्ट स्मूथ, बिल्कुल साफ सा हो गया चेहरा, ठीक है। मैंने 1 स्पून लिया है वो, तो अभी मैं इतना सा ही ले रही हूँ ये ग्लिसरीन, ठीक है, उस हिसाब से बाद में भी देख लेंगे अकॉर्डिंगली। और अब मुझे चाहिए ये विटामिन ए की, मैं फिलहाल अभी एक ही कैप्सूल में ले रही हूँ, और सारा इसका जितना भी लिक्विड है वो मैंने इसमें डाल दिया। ओके, इसमें मिक्स करूँगी मैं थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल ले लेते हैं, इतना ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लिक्विड ही नहीं करना है, मुझे थोड़ा क्रीम बेस ही बनाना है, ये है। थोड़ा सा इसमें मैं नींबू डालूंगी, ठीक है, बस इतना सा नींबू डाला, और अभी इन सबको मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें मैं विटामिन ई की कैप्सूल एक और डाल दूं, ठीक है, तो मैंने एक और डाल दी, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन और ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा जेली बना बेस बना, तो मुझे थोड़ा सा और मतलब चाहिए कि अभी ठंड क्योंकि बहुत है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस हिसाब से चाहिए वैसे ऐड कर लीजिएगा। यू कैन सी द टेक्सचर, और रात में लगा के लेती हूँ, तो रात में तो ज़रूर लगाती हूँ, तो इतना मज़ा आता है ना, सुबह उठो तो अपनी स्किन देखो इतनी बेहतरीन हो रही है। सो नाउ यू कैन सी, मैंने अपने इस कंटेनर में अपना ये क्रीम डाल लिया है, और अब मैं मुझे जैसे भी ही ज़रूरत होगी मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है, और जैसे ही मेरा फिनिश हो जाएगा मैं फिर से दूसरा बना लूंगी। बट इस तरीके से इसको बनाकर यूज़ करिए गाइस, ट्रस्ट मी, आपको मतलब खुद में फील होगा कि कितना अच्छा मॉइस्चराइजर है, और मार्केट से आप नहीं खरीदोगे, और इसको लगाने के बाद ना आप मेकअप भी कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा सा ग्लोई सा मेकअप आएगा, है ना। तो ये था मेरा आज का रेमेडी, जो कि घर पर ही मैंने मॉइस्चराइजर बनाया गाइस। होप कि आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा और लेकर आऊँगी बढ़िया सा, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।